गुड इवनिंग बेटा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.4 विच डिपेंड्स ऑन मैट्रिक्स मेथड। ठीक है ना, इसका बेसिक है बेटा मैट्रिक्स मेथड, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवा दिया था। तो इसमें सभी जो लीनियर सिस्टम हैं अपने पास, लीनियर सिस्टम विद टू वेरिएबल, टू इक्वेशंस विद थ्री इक्वेशंस, यानी कि अगर दो इक्वेशन होंगे तो दो वेरिएबल होंगे, तीन इक्वेशन होंगे तो तीन वेरिएबल होंगे। तो करना क्या है बेटा, इनको हमने सोल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन टेंथ क्लास के मेथड से ना निकाल कर ट्वेल्थ के मेथड से निकालनी है, यानी कि मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग बेटा, जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले कि 4 या 6 नंबर का 100% आता है इसमें सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड में। ठीक है ना, 4 और 6 मार्क्स 100% की गारंटी है बेटा इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आने की, सीबीएसई है या हरियाणा बोर्ड है। ठीक है ना, तो भाई सबसे पहले आपने क्या तैयार करना है बेटा, सबसे पहले मैट्रिक्स ए तैयार करना है विच इज ऑब्टेंड बाई द कोफिशिएंट ऑफ गिवन अननोन्स, जो दिए गए अननोन के कोफिशिएंट से तैयार होगा। ठीक है ना, ये आ गया आपका ए मैट्रिक्स, 5 - 7, 7 - 5। ठीक है ना, फिर आपने तैयार करना है बेटा बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या हो गया एक्स वाई, ये बी मैट्रिक्स हो गया। और फिर तैयार करना आपने, सॉरी ये था एक्स मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय राइट हैंड साइड कांस्टेंट, राइट हैंड साइड कांस्टेंट से जो बनेगा वो बी मैट्रिक्स हो जाएगा। और एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, गिवन अननोन से जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक्स मैट्रिक्स होगा। इसको कॉलम बनाना है दोनों को हमने। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए का डिटरमिनेंट निकालना बेटा, ये हो गया -25 और माइनस का साइन लगा दिया बीच में, ये हो गया +49, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया आपका 24 आ गया बच्चों। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये लैंग्वेज लिखनी है आपने, से एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी कि जो ऐसे निकलेगा बेटा इससे डिफाइंड है जो। ठीक है ना, अब भाई एक्स की वैल्यू निकालनी तो ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको और उसकी बी के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। तो भाई ए का इनवर्स आपने निकालना कैसे बेटा, माइनर कोफैक्टर एडजोइंट निकाल कर, लेकिन मैंने काफी प्रैक्टिस करवा ली आपकी तो मैं ट्रिक से निकाल देता हूँ अपना इनवर्स। इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो आप, ठीक है ना, इन दोनों के प्लेस चेंज करो, इन दोनों के साइन चेंज करो, तो ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का। ध्यान रहे इन दोनों के तो प्लेस चेंज करने, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपको ऐसा लगा होगा कि इनके साइन चेंज कर दिए मैंने, ये दे ही ऐसे रखे बेटा 5 - 5। तो इन दोनों के क्या करने हैं, प्लेस चेंज और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। ठीक है ना, ऐसा करने के बाद एडजॉइंट आ जाएगा आपका, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ए का इनवर्स आ जाएगा। अब बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, बी है 2, 3, तो 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसकी, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/24 तो एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा -10 + 21, -10 + 21। ठीक है ना, ठीक ऐसे सेकंड रो की करेंगे, -14 + 15, -14 + 15। तो x क्या था बच्चों, x था आपका एक्स वाई, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया 21 - 10 यानी कि 11, और ये 24 है ये तो 11/24, और ये क्या हो गया 1 यानी कि 1/24। तो बेटा अब दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए आपके, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 11/24 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/24। ठीक है ना, एक्स वाई की वैल्यू मिल गई आपको। अब इक्वेशन को चेक करेंगे सेटिस्फाई करती है नहीं करती है, यानी कि जो आंसर आए उसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देखो एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने का ये फायदा है, आपको एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसके लिए क्या करना, आपने इसके आंसर को वेरीफाई करना है इसके अंदर। देखो यहाँ पर
तो एक्स की जगह हमने रखे यहां पर 11/24, तो 5 × 11/24 हो गया ये, ठीक है ना, -7 एज इट इज। और वाई की जगह क्या रखा हमने 1/24, चेक करते बेटा 2 आया नहीं आया, ये हो गया 55, ठीक है ना, और -7/24, और 15 - 7 हो जाएगा बेटा 8, यानी कि 48/24, और ये आ गया 2। तो ऐसे ही यहाँ पर भी चेक कर सकते हो आप, इसमें रख के एक्स वाई की वैल्यू यहाँ भी रखोगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी ये, ठीक है ना, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो ये दोनों, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया बेटा, आपके मार्क्स पक्के हो गए इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो, ये इस तरह का कोई क्वेश्चन 6 नंबर में नहीं आ सकता, 4 या 2 में आएगा इस तरह का, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना ये बेटा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। से ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑप्टेड बाय गिवन कोफिशिएंट ऑफ गिवन अननोन्स, यानी कि गिवन अननोन्स के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि एक्स वाई के कोफिशिएंट से, वो क्या कहलाएगा, ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, मैट्रिक्स ऑप्टेड बाय राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट, राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट से जो मैट्रिक्स बनेगा वो बी होगा। और x क्या होगा, x इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑप्टेड बाई गिवन अननोन्स, गिवन अननोन्स से जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, x मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट ऑफ a चेक करना बेटा, ये हो गया 6 और ये हो गया +35, यानी कि 6 + 35 क्या हो गया, ये 41। तो सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, से एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी कि बेटा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, और प्रोवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब आपने क्या करना बेटा, ए का इनवर्स निकालना आपने यहाँ पर, और ए का इनवर्स किस तरीके से निकालना है, बार बार बताने लग रहे हो आप, कहीं डायरेक्ट निकाल दो, आपने माइनर निकालने पड़ेंगे, फिर कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, वो निकलेगा आपका एडजॉइंट, ठीक है ना, अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली आपने इसकी। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, देखो इन दोनों के प्लेस चेंज कर दूंगा और इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है ना, ये ट्रिक है बेटा, एडजॉइंट निकला अभी, इसको 41 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है आपने, मल्टीप्लाई करनी है बी के साथ, यानी कि -4/7 के साथ। तो देखो भाई बच्चों, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, ये तो एज इट इज, तो ये हो जाएगा -8 और +49, -8 + 49, ठीक है ना। फिर सेकंड रो की करते हैं, +20 + 21, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये सेपरेट कर देंगे तो 41 हो गया ये, और ये 41 बार है, ये भी 41 हो गया, 41 अंदर ले जाएंगे तो ये 41 डिवाइड कर देगा अंदर जाकर, यानी कि क्या आ गया, 1 1। तो एक्स वाई क्या हो गया बेटा, 1 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो कंपेयरिंग करेंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल, तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1, और वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। अब आपने आंसर को चेक करना है गलत है या ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर 1 1 पुट करेंगे, तो 1 1 पुट करेंगे तो 3 - 7 कितना आ जाएगा, -4, बिल्कुल ठीक हो गया ना आंसर। यहाँ पर भी 1 1 पुट करेंगे तो 5 + 2 क्या आ जाएगा, 7। ये वेरिफिकेशन थी बेटा, आप अपने एक्सप्लेनेशन में दे, मतलब सॉल्यूशन में दे सकते हो, ठीक है ना, वेरिफिकेशन लिखकर चेक कर सकते हो आप बेशक से, ठीक है ना, आया समझ में। तो ध्यान से देखो बेटा, राइट डाउन करना चाहते हो तो राइट डाउन कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते बेटा,
स्टेटमेंट मैंने लिख दी और एक्स मैट्रिक्स बना दिया जो कोफिशेंट से बनता है, सॉरी जो वेरिएबल से बनता है, और ए मैट्रिक्स बनता है कोफिशेंट से, यानी कि 7-2 और 2-1, ठीक है ना। और बी मैट्रिक्स आप जानते हो वही क्या है, बी मैट्रिक्स इज द राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट ऑब्टेन्ड बाई राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए का डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा बेटा सबसे पहले आपको। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं, देखो ये हो गया -7 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -4, +4 हो जाएगा यहाँ पर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से लैंग्वेज लिखनी, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड प्रोवाइड दैट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए का इनवर्स आपने कैसे निकालना, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट निकाल कर, ठीक है ना। लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो इन दोनों के प्लेस चेंज करना है और इन दोनों के साइन चेंज करना है, ठीक है ना। क्या आएगा ये एडजॉइंट, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दोगे यानी कि -3 से, तो आपका क्या बन जाएगा ये इनवर्स। और बी मैट्रिक्स है आपके पास -7-1। अब प्रोडक्ट कर देते हैं बेटा, फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 बार चलता रहेगा, और ये हो गया +7+2 यानी के +7+2। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई होगी 14+7, तो कैपिटल एक्स क्या था आपका एक्स वाई, और भाई ये क्या हो गया 9 और ये क्या हो गया 21, -3 से इसको डिवाइड कर देंगे, अंदर चला जाएगा ना -3। तो बेटा एक्स और वाई ये मैट्रिक्स ना, यहाँ पर इम्प्लाइज लगाना आपने, मेरे पास जगह की कमी इसलिए नहीं लगाता मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पर आ जाएगा -7, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा -3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -7, ठीक है ना। एक्स वाई की वैल्यू मिल गई आपको, अब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपने, वेरिफिकेशन और करनी इसकी, आंसर का पता चल जाए ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -21 और यहाँ पर -7 रखेंगे ये हो जाएगा 14, ठीक है ना। और राइट में क्या है -7, तो वही इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो -7-7 के इक्वल आ जाएगा, ठीक ठीक। ऐसे इसमें भी रखनी है आपने, यहाँ पर ये वैल्यू x की जगह -3 रखा है, ये -6 हो गया और x की जगह यहाँ पर +7 आ जाएगा, अगर -7 रखेंगे तो राइट में 1 है और ये भी 1 हो गया, तो वेरिफिकेशन भी होगी बेटा, यानी कि आंसर भी बिल्कुल क्या है ठीक। देखो बेटा तीन क्वेश्चन सोच के, फर्स्ट के तीनों पार्ट और सेकंड का मैंने सीधा सेकंड पार्ट लिखा है क्योंकि फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इन तीनों जैसा है लेकिन ये डिफरेंट है, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करना आपने, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखना है। देखो क्या हो गया, मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय द कोफिशिएंट ऑफ गिवन अननोन्स, ठीक है ना। फिर आपने बी मैट्रिक्स लिखना बेटा, बी मैट्रिक्स क्या हो गया 5-2, और फिर आपने लिखना है एक्स मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स क्या हो गया एक्स वाई, ठीक है ना, आया समझ। अब देखो सबसे पहले चेक करते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हुआ बेटा -12 और +12, -12 +12, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 0, ठीक है ना। देयरफॉर सिस्टम मे हैव कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है इनकंसिस्टेंट भी। देयरफॉर सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो नाउ वी नीड टू चेक एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी,
Now we have to check small letter में लिख दिया मैंने यहाँ पर. Now we have to check adjoint of A into B. adjoint of A की B के साथ multiply check करनी पड़ेगी बेटा. तो check करते हैं, देखो adjoint of A की B के साथ multiply. तो भाई बच्चों adjoint of A आप तो पता आपने कैसे निकालना minor cofactor निकाल के, लेकिन मैं direct निकाल रहा हूँ. देखो adjoint of A निकालेंगे, इन दोनों के place से change कर देंगे और इन दोनों के साइन ये 2 हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा. ठीक है ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया और बी ये रहा आपका 5 2. तो भाई बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं शुरू. देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 20, इसके साथ प्लस 4. तो माइनस 20 प्लस 4 तो क्या आ गया, माइनस 16. ठीक है ना, माइनस 20 प्लस 4 और ये हो गया माइनस 30 प्लस 6. माइनस 30 प्लस 6 यानी कि माइनस 24. तो देयरफॉर नॉट इक्वल टू 0. एज वी नो दैट बेटा ए मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर जीरो. अगर सभी एलिमेंट जीरो होंगे तभी उसको जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते. तो ये तो एक भी एलिमेंट जीरो नहीं आया. अगर दोनों एलिमेंट जीरो आ जाते तब जाकर ये क्या होता, जीरो के इक्वल. देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया बेटा और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला. ठीक है ना, तो मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन करवाया नो सोल्यूशन वाला. करना क्या, आपने एक डिटरमिनेंट चेक करना, अगर वो जीरो आ जाए तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई चेक करनी है. अगर वो जीरो ना आए तब क्या होगा, नो सोल्यूशन. ठीक है ना, इस तरह के केस में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन. आया समझ में, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन. एग्जाम में केवल यूनिक सोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा सीबीएसई के एग्जाम में. ठीक है ना, ये केवल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन की. ये पहला हो गया जिसका नो सॉल्यूशन था. ठीक है ना, अब एक ऐसा करवा देता हूँ जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, किसमें, टू वेरिएबल में. और ठीक ऐसे ही तीन क्वेश्चन करवाऊंगा जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तीन वेरिएबल में, और जिसका नो सॉल्यूशन होगा जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. ठीक है ना, देखते बेटा सेकंड का थर्ड क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय द कोफिशिएंट ऑफ गिवन अननोन्स यानी कि 2 6 and 3 9. उसके बाद मैट्रिक्स बी ऑब्टेंड कॉलम मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय राइट हैंड साइड कांस्टेंट एंड मैट्रिक्स एक्स ऑब्टेंड बाय यानी कि कॉलम मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय गिवन अननोन्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक डिटरमिनेंट ऑफ ए. ए का डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा, वही फैसला करेगा इसका क्या होना है इसके साथ. तो ए का डिटरमिनेंट जैसे जानते हो आप बेटा क्या हो गया, 0. 18 माइनस 18 आ गया 0. सिंस देयरफॉर सिस्टम मे और मे नॉट हैव have consistent लिख सकते हो सीधा सीधा, सिस्टम may have consistent और inconsistent system. ठीक है ना, सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है. देखो चेक करते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा. तो आपने क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई चेक करनी पड़ेगी आपने. ठीक है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो भैया आपने तो निकालना है माइनर कोफैक्टर निकाल कर, और मैं निकालता हूँ अपने ट्रिक से. देखो इन दोनों का प्लेस चेंज करना आपने, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं
ये एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। जिस भी मैट्रिक्स के साथ ऐसा कर दोगे उसी का एडजॉइंट आ जाएगा ये। अब बी मैट्रिक्स है 515, तो करते हैं प्रोडक्ट इसका। देखो ये हो गया 45, ये माइनस 45 जीरो, ये हो गया माइनस 30 प्लस 30 जीरो। तो इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो आ गए, तो ये किसके इक्वल आ गया, जीरो। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। Consistent and have infinite remaining solution. Infinite many solution, ठीक है ना। बहुत सारे solution हो जाएंगे इसके। अब वो solution कैसे निकाले आपने, देखो जब infinite solution है तो सभी सॉल्यूशन को तो निकाल कर दिखा नहीं सकते हम, ठीक है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पता है बेटा क्यों है, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर के चलेंगी, एक दूसरी लाइन को ओवरलैप करेंगी। सॉल्यूशन क्या होता है, दो लाइन जहां पर मिलती है वो उनका सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। दसवीं क्लास में सीख लिया था आपने, दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। तो कोई भी दो लाइन जब प्लेन में ड्रा करते हैं हम, तो तीन केस बनते हैं। पहला केस इंटरसेक्टिंग का, एंगल कितना भी हो सकता है, 90-90 के भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएंगे, और 90 से डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैटेगरी एक ही है इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा केस है ओवरलैप करेंगे एक दूसरी लाइन को, एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करेगी, यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। और ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, 10th क्लास में हम क्या बोलते थे, कॉन्सिडेंट, ठीक है ना, कॉन्सिडेंट केस हो गया ये। एक दूसरी को ओवरलैप करेंगी लाइन, एक दूसरे के ऊपर से चलेंगे, यानी कि एक ही लाइन दिखाई देगी आपको। और तीसरा केस है बेटा पैरेलल लाइन का, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन होगी। वैसे एक केस और होता है, ये होता है वो केस स्कीव लाइन, ठीक है ना। ये क्या है, स्कीव लाइन, ना ये पैरेलल और ना ये इंटरसेक्टिंग, लेकिन ये प्लेन में नहीं हो सकता बेटा। प्लेन में क्यों नहीं हो सकता, ये स्पेस में हो सकता है, ये स्पेस है जैसे। तो देखो ये लाइन, इनको ना आप पैरेलल बोल सकते और ना इंटरसेक्टिंग। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस कम है, और इन सिरों पर अगर डिस्टेंस निकालूँ मैं, इस सिरे से इस सिरे की डिस्टेंस निकालूँ अगर, इससे इसकी डिस्टेंस तो ज़्यादा होगी, और बीच की डिस्टेंस निकालूँ तो कम होगी। तो पैरेलल तो बोल ही नहीं सकते आप, पैरेलल में तो डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, ठीक है ना। तो प्लेन में केवल तीन ही केस होते हैं। ये केस क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी आगे जाकर। लाइन क्या है, वो रुकती नहीं, उसका इनिशियल टर्मिनल पॉइंट नहीं होता, आगे पीछे बढ़ती है वो, तो आगे जाएंगी तो ये टकरा जाएंगी, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। जबकि स्पेस में देखो एक दूसरे के ऊपर से चली जाएंगी। तो ये केस स्पेस का बेटा, प्लेन में केवल तीन ही केस होते हैं। अब देखो अगर ऐसा केस होगा तो एक सोल्यूशन हो जाएगा, जिसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हो आप। ऐसा केस होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। और ऐसा केस होगा तो हर जगह ये एक दूसरे से मिली है, तो क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए, ठीक है ना। इसको डिपेंडेंट केस भी बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट केस बोलते हैं। इस ये डिपेंडेंट केस में आता है, ये इंडिपेंडेंट में। कंसिस्टेंट दोनों है, ये इनकंसिस्टेंट है। तो अपना क्वेश्चन किसका, अपना क्वेश्चन इसका है, देखो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। इनफाइनाइट क्यों हो गए, क्योंकि हर जगह मिली है ये, तो एक्स वाई की हर कोई वैल्यू इनको सेटिस्फाई करेगी। मतलब जो इसको करेगी वो इसको करेगी, जो इसको करेगी इसको करेगी, और इसको करने वाले तो लाखों करोड़ों वैल्यू हैं, ठीक है ना। सभी तो नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी कितनी वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू। क्योंकि एक लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होते हैं सारे उसको सेटिस्फाई करते हैं, और एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। तो करना क्या है, बात सुनो, अब करना ये है बच्चों कि आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो किसी एक को लेट कर लो आपकी। तो लेट कर लिया बेटा मैंने, वाई को लेट कर लिया के, और के क्या है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना। जैसे वाई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, माइनस 1, माइनस 2, 0, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो वाई की जगह के इसमें पुट करेंगे हम, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा 2x आ जाएगा 5 - 3y, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3y / 2 For all y belongs to k. Sorry.
तो इसमें क्या करना आपने, y की जगह k पुट कर देना। देखो चाहे तो स्टार्टिंग में पुट कर लो चाहे लास्ट में पुट कर लो। तो स्टार्टिंग में पुट कर लेता हूं मैं y की जगह k, देखो y की जगह k पुट कर लिया यहां पर, ये y की जगह k पुट कर लिया, ठीक है ना। फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, किसी एक इक्वेशन में y की जगह k पुट कर लो, दोनों एक जैसी है बेटा, इसको दो से डिवाइड करोगे सेम हो जाएगी दोनों। तो किसी एक में y की जगह k पुट कर लो, आप x की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप x की जगह k पुट कर लो y की वैल्यू निकाल लो। बुक वाला क्या करता है, y की जगह k पुट करता है हमेशा, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि y की जगह k पुट किया जाए, x की जगह भी k पुट कर सकते हो। x की जगह k पुट करो, y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। मैंने ऐसे ही कर दिया जैसे बुक में कर रखे हैं उन्होंने एग्जांपल्स वगैरह में, y की जगह k पुट कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन मैंने साफ साफ बता दिया आपको आप x की जगह k पुट कर लो y की वैल्यू निकल जाएगी, बात एक ही है, वैल्यू भी सेम आएंगी। अब देखो इनफाइनाइट वैल्यू कैसे हुई, मैंने लिख रखा है k बिलोंग्स टू रियल, तो k की जगह अगर आप 1 लोगे तो x यानी कि y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 5 माइनस 3 2 बाई 2 1। अगर y की जगह यानी कि k की जगह 2 लेंगे तो यह आ जाएगा 6, 5 माइनस 6 यानी कि माइनस 1 बाई 2। अगर k की जगह आप 5 लोगे तो 5 माइनस 15 बाई 2 यानी कि माइनस 10 बाई 2 यानी कि माइनस 5। तो ऐसे जितनी भी वैल्यू आप y की जगह भरते जाओगे k की जगह, तो x की उतनी वैल्यू आपके पास आती जाएंगी, यानी कि उनको आप काउंट ही नहीं कर सकते कितनी वैल्यू है, इसीलिए क्या है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते बेटा, अब की बार क्या आ गए, थ्री वेरिएबल हो गए इसमें, ठीक है ना, तीन तीन वेरिएबल आ गए बेटा। तो सिस्टम वही रहेगा, देखो मैट्रिक्स ए इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय कोफिशिएंट ऑफ गिवन अननोन्स 1 -2 1 3 -1 and -2 एंड ए बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट 5 -4 and 3 एंड एक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक डिटरमिनेंट ऑफ ए, सबसे पहले आपने ए का डिटरमिनेंट चेक करना बच्चों। तो चेक करते देखो, फर्स्ट ऑफ से एक्सपेंड करते हैं इसको, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये बच गया -2 1 -1 -2। देखो ध्यान से, जो एलिमेंट आपने लिया उसके सामने की रो कॉलम छोड़ दो, तो यहां पर बच गया -2 1 -1 और -2। फिर उसके बाद -3 लेंगे तो इसके सामने की रो कॉलम छोड़ देते हैं, देखो ये छूट गई और ये छूट गई, बच गया 1 1 3 -2 1 1 3 -2, ठीक है ना। और फिर लेंगे एलिमेंट +3 यहाँ पर, और इसके सामने भी रो कॉलम छोड़ देंगे, देखो ये बच गया 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1। अब इसको एक्सपेंड कर दो बेटा, एक्सपेंड कर दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया, अब इन 2 by 2 को एक्सपेंड करेंगे, ये हो गया 4 + 1 5, -3 है ये, ये हो गया -2 -3 यानी कि -5, ठीक है ना। अब ये हो गया -1 और +6 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपकी, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, ये भी 15 हो गया। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा, तो टोटल हो गया ये 30 + 10 = 40, तो इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा बेटा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, प्रोवाइडेड दैट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब सबसे जो बड़ा काम है अपना वो है ए इनवर्स निकालने का। तो ए इनवर्स निकालने के लिए भाई अब इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, माइनर कोफैक्टर निकाल कर करते हैं इसको। देखो टू फाइंड ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले मैं माइनर निकाल लूँ। देखो M11 अपने पास आ चुके हैं ऑलरेडी 5, उसके बाद M12 भी आ चुके हैं अपने पास -5, उसके बाद निकालना M13 ये भी आ चुके हैं अपने पास, ये रहा 5, तीन माइनर आ गए, तीन छह माइनर की और जरूरत रहेगी। ये M21
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। और सीधा कैलकुलेट करने लग रहे हो बेटा, आपको आता तो है ये करना, एम टू वन सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दो, देखो एम टू वन, तो ये बच गए, ये हो गया माइनस सिक्स और ये हो गया प्लस थ्री, यानी कि क्या आ गया माइनस थ्री। फिर उसके बाद एम टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गई, देखो यहाँ पर है टू और यहाँ पर है मेरे हाथ के नीचे थ्री, और ये थ्री माइनस टू, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया माइनस फोर और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया माइनस नाइन, यानी कि माइनस थर्टीन आ गया। उसके बाद निकालना एम टू थ्री, यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को देखो, ये हो गया माइनस टू, ये हो गया माइनस नाइन, यानी कि माइनस इलेवन, तो निकल गए बेटा तीन और माइनर। अब ये निकालेंगे एम थ्री वन निकालेंगे हम, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दो, देखो ये बच गया, ये हो गया थ्री और प्लस सिक्स यानी कि नाइन। उसके बाद एम थ्री टू थर्ड रो सेकेंड कॉलम को कैंसिल कर दो, ये हो गया टू और माइनस थ्री यानी कि माइनस वन। उसके बाद एम थ्री थ्री थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल कर दो, ये तो ये हो गया माइनस फोर और माइनस थ्री यानी कि माइनस सेवन, ठीक है ना। तो भाई अब निकालने आपने कोफैक्टर, कोफैक्टर्स बेटा, तो ए वन वन एज इट इज जैसे कि एम वन वन है। उसके बाद ए वन टू एम वन टू कितना माइनस फाइव, इन दोनों का सम ऑड है तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, ये होगा प्लस फाइव। उसके बाद ए वन थ्री, ए वन थ्री एम वन थ्री क्या है फाइव, तो इन दोनों का सम ये बना तो ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद है बेटा ए टू वन, ए टू वन कितना है, ये एम टू वन है माइनस थ्री, तो इन दोनों का सम है ओड तो ये साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद ए टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये वाला देखो, ये अगर माइनस थर्टीन है तो ये भी माइनस थर्टीन आ जाएगा। उसके बाद ए टू थ्री, तो सेकेंड ये बच गया एम टू थ्री का, यानी कि ये माइनस इलेवन है तो प्लस इलेवन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है ओड। उसके बाद आ गया ए थ्री वन, ए थ्री वन कितना है, ये नाइन है तो ये भी क्या रहेगा नाइन। कोफैक्टर के बारे में जानते हो ना आप अच्छे ढंग से, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, माइनर एंड कोफैक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट मे बी ए पॉजिटिव इन साइन। साइन तभी बदलना आपने जब इन दोनों का सम ओड आ जाए, जैसे इन दोनों का सम ओड आ गया तो ये साइन चेंज कर दूंगा मैं, ये साइन हो जाएगा यहाँ पर प्लस वन और ए थ्री थ्री है चीज भाई। अब करना क्या है बेटा, ए का इनवर्स निकालना हमने, तो भाई अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जगह की कमी है अपने पास यहाँ पर। तो बेटा करते क्या है, सबसे पहले निकालते हैं, चलो एडजोइंट ऑफ ए निकाल देता हूँ मैं पहले, देखो एडजोइंट ऑफ ए, तो एडजोइंट ऑफ ए निकलेगा बेटा ये कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा ना उसका ट्रांसपोज लेने से, ये ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री हो गया, ये हो गया थ्री माइनस थर्टीन और इलेवन, और ये हो गया वन नाइन है बल्कि वहाँ पर नाइन और वन और माइनस सेवन, ठीक है ना, इसका ट्रांसपोज ले देंगे तो ये हो गया यहाँ पर फाइव फाइव फाइव, यहाँ पर हो गया थ्री माइनस थर्टीन और इलेवन, यहाँ पर हो गया नाइन वन और माइनस सेवन, ठीक है ना, ये आ गया एडजोइंट ऑफ ए। अब निकालना आपने ए इनवर्स, तो ए इनवर्स तो जानते हो, इसको केवल आपने 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, ए इनवर्स आ जाएगा। मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी जो था, ठीक है ना, एक्स इनवर्स, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स निकालता हूँ पहले, तो मैं फाइव थ्री नाइन फाइव माइनस थर्टीन और वन फाइव इलेवन और माइनस सेवन, ये तो है एडजोइंट ऑफ ए, अगर इसको 40 से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा बेटा ए इनवर्स, और यहाँ पर है आपका बी, बी मैट्रिक्स क्या है 5 माइनस फोर थ्री, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ये हो गया 25, ये हो गया माइनस 12 और ये हो गया 27, ठीक है ना। अब सेकंड रो की करते हैं, ये हो गया 25, ये हो गया 52 और ये हो गया प्लस थ्री,
अब थर्ड रो की करते हैं, ये हो गया 25 और ये हो गया -44 और ये हो गया -21। ठीक है बेटा, तो कैपिटल एक्स का मीनिंग क्या है, एक्स वाई जेड। और भाई ये आपका जो मैट्रिक्स है यहां पर ये हो गया देखो 7 + 5 = 12 और 2 + 2 = 4 = 52 और 12 स्प्रेड करेंगे तो 40 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और 1/40 बार चला हुआ इसे। उसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो ये हो गया 28, 25 और 3 और ये हो गया 52 यानी कि 80। फिर इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये है 25 और ये क्या हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 65 तो स्प्रेड करेंगे तो -40 आ गया। ठीक है ना, तो भाई 40 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। x, y, z की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1, 2, -1। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 1 पुट करते हैं, x की जगह 2 हो गया, y की जगह पुट करते हैं 2, ये 6 हो गया और z की जगह पुट करते हैं -1, ये -3 हो गया, तो 8 - 3 = 5 आ गए। ठीक, ऐसे इनको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये 3 वेरिएबल का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। मेथड बिल्कुल सेम टू सेम वही है, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी है। 2 वेरिएबल वाले में 4 कोफैक्टर होंगे, इसमें 6 कोफैक्टर, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मल्टीप्लाई बड़ी है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बेटा 4 या 6 नंबर में, ठीक है ना। देखो बेटा थर्ड का लास्ट पार्ट और करवा देता हूं मैं इस वीडियो में, थर्ड का लास्ट पार्ट। ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया मैंने क्योंकि इसमें कुछ टर्म मिस कर रखी है इन्होंने, तो जैसे इसमें जेड की टर्म मिस कर रखी है, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो ये हो गया x + y + 0z = 0, यहाँ पर हो गया 0x + y + z = 1, यहाँ पर हो गया x + 0y + z = 3। ठीक है ना, तो ए मैट्रिक्स देखो क्या हुआ, ए मैट्रिक्स हुआ है बच्चों जो ये को एक्स वाई जेड है, इनके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 1 1 और ये क्या है 1 0 और 1। ठीक है ना, ये ए मैट्रिक्स हो गया। और बी मैट्रिक्स आप जानते हो, मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाई राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट, और एक्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाई गिवन वेरिएबल एक्स वाई जेड से जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले चेक करना हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो भाई R1 से एक्सपेंड कर देता हूँ, ये 1 बार निकाल लिया मैंने और इसके सामने की रो कॉलम कैंसिल होगी, हो गया 1 - 0 यानी कि 1। ठीक है ना, फिर ये माइनस का 1 लिया मैंने बार और इसके सामने की रो कॉलम कैंसिल कर दी, ये हो गया 0 - 1, तो कुल मिलाकर बेटा ये 2 हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ आ गया 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, से x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है ना, अब आपने निकालना बेटा a इनवर्स सबसे पहले, तो टू फाइंड a इनवर्स, a इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या निकालने पड़ेंगे हमने, पहले माइनर, ठीक है ना, माइनर निकालेंगे पहले हम। तो सबसे पहले बेटा m11 जो कि अपने पास ऑलरेडी है 1, ठीक है ना, उसके बाद है m12 जो कि अपने पास है -1, और उसके बाद है m13 जो हमने निकाला नहीं इस 0 होने के कारण, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 0 - 1, तो ये हो गया -1। उसके बाद निकालेंगे बेटा m21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये बच गया एलिमेंट, ये हो गया 1 - 0 के 1। उसके बाद है m22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये आ गया अपने पास 1 - 1 = 0 - 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 1, इनका हो गया -0 - 1। उसके बाद निकालेंगे m23,
सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल होगी, ये बच गया, ये हो गया जीरो और ये हो गया माइनस वन, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा थर्ड रो के बच गए सभी माइनर, थर्ड रो के और निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले है एम थ्री वन, यानी कि थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट का, तो तीसरी रो पहले कॉलम कैंसिल कर दो, ये हो गया वन माइनस जीरो यानी कि वन। फिर है एम थ्री टू, तीसरी रो दूसरी कॉलम कैंसिल कर देंगे ये, तो ये हो गया वन माइनस जीरो यानी कि वन। उसके बाद एम थ्री थ्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर देंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो गया वन माइनस जीरो यानी कि वन, ठीक है ना। ये माइनर हो गए अपने, अब निकालेंगे हम कोफैक्टर। तो ए वन वन हो गया बच्चों, जैसे कि एम वन 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 है तो ये भी वन हो जाएगा। ए वन टू, एम वन टू कितना है माइनस वन, तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो गया वोट, तो ये हो गया प्लस वन। उसके बाद ए वन थ्री, सेम टू सेम ये हो जाएगा माइनस वन, साइन चेंज क्यों नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों का सम क्या है इवन। उसके बाद है ए टू वन, ए टू वन क्या आएगा ये ही आएगा लेकिन साइन चेंज होकर आएगा क्योंकि इन दोनों का सम वोट है। ए टू टू क्या आ जाएगा वन, ए टू टू आ जाएगा वन। और ए टू थ्री कितना आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का सम ओड है तो इसका साइन चेंज होकर आएगा वन आ जाएगा। ए थ्री वन कितना आएगा, ए थ्री वन आएगा वन। और ए थ्री टू कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम ओड है तो ये साइन चेंज होकर आएगा। उसके बाद ए थ्री थ्री कितना है, इन दोनों का सम इवन है तो ऐसा कैसा आ जाएगा। ये सभी क्या आ गए कोफैक्टर। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा बच्चों, ये सभी कोफैक्टर यहाँ पर रख लेते हैं हम, वन वन माइनस वन माइनस वन, वन और वन, वन माइनस वन और वन, और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन फर्स्ट वर्टिकल लाइन बन जाएगी, सेकेंड ओरिजेंटल लाइन सेकेंड वर्टिकल लाइन बन जाएगी, थर्ड ओरिजेंटल लाइन थर्ड वर्टिकल लाइन बन जाएगी, क्या आ जाएगा ये एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। आप देखो तो आंसर क्या आपका, आंसर है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स भी निकाल लेता हूं मैं पहले, यहां पर ए इनवर्स कैसे निकलेगा, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था टू, ये आ गया आपका ए इनवर्स बेटा, वन माइनस वन वन, वन वन माइनस वन, माइनस वन वन और वन, ये क्या आ गया आपका ए इनवर्स, ठीक है ना। अब आंसर क्या आपका, आंसर है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स क्या है देखो, ए इनवर्स ये रहा वन माइनस वन वन और वन वन माइनस वन और माइनस वन वन और वन। और बी क्या बेटा, बी है यहां पर ये रहा देखो जीरो वन थ्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा वन बाई टू एज इट इज, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट जीरो हो गया, इसका माइनस वन हो गया, इसका थ्री हो गया, यानी कि जीरो माइनस वन प्लस थ्री, ठीक है। ऐसे इसका इसके साथ जीरो, इसके साथ वन, इसके साथ माइनस थ्री, यानी कि जीरो और वन और माइनस थ्री, फिर इसका इसके साथ जीरो, इसके साथ वन, इसके साथ थ्री, जीरो वन और थ्री। तो कैपिटल एक्स क्या था, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और थ्री माइनस वन क्या हो गया टू, टू को टू से डिवाइड किया वन, माइनस थ्री प्लस वन क्या हो गया माइनस टू, इसको डिवाइड किया माइनस वन, थ्री प्लस वन क्या हो गया फोर, टू से डिवाइड किया टू। तो बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई वन और वाई की वैल्यू आ गई माइनस वन और जेड की वैल्यू क्या आ गई बेटा टू, ठीक है ना। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं एक बार, एक्स की जगह वन पुट किया मैंने, ये वन हो गया, वाई की जगह मैंने सम पुट किया तो ये जीरो हो गया, देखो वाई की जगह मैंने सम पुट किया, जेड की जगह मैंने पुट किया टू, तो ये देखो टू माइनस वन वन हो गया, राइट में वन है, यहाँ पर जेड की जगह पुट किया मैंने टू और जेड एक्स की जगह पुट किया वन, तो टू प्लस वन क्या हो गया थ्री, राइट में भी थ्री, ठीक है बेटा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा इससे आगे के क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो मैंने गारंटी ली है फोर और सिक्स मार्क्स की एग्जाम की, ठीक है ना, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है।
अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धोखा नहीं देंगे आपको ये बिल्कुल भी। बड़े अच्छे क्वेश्चन है बेटा, कोई बहुत बड़ा बेसिक लंबा चौड़ा बेसिक याद नहीं रखना आपने, सारा काम वही करना है जो आप पहले कर चुके, ठीक है ना। आपने 5.2 में ये सारा काम कर लिया, इनवर्स भी निकाल लिया आपने और एडजॉइंट भी निकाल लिया, माइनर कोफैक्टर भी निकाल लिए, उन्हीं को केवल ये एक स्टेप दो स्टेप आगे करना बेटा, केवल ये मल्टीप्लाई और करनी है आपने ए इनवर्स की बी के साथ, ठीक। ये तो एक स्टेप ज्यादा है और क्या है इसमें बताओ, सारा का सारा वही तो है, ये तीन स्टेप ये ज्यादा है बस, ए मैट्रिक्स बनाया, बी बनाया, एक्स बनाया, उसके बाद ए का ट्रीटमेंट आप पहले भी चेक करते थे, अब भी चेक कर लिया, ये दो लाइन लिखनी है, सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद ए इनवर्स निकालने के लिए आप माइनर कोफैक्टर आप पहले भी निकाला करते, एडजॉइंट भी निकाला करते, इसमें निकाल लेना, ठीक है ना। ए इनवर्स के बाद ये लाइन ज्यादा बस, ये ए इनवर्स की बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है और फिर एक्स वाई जेड की कंपेयरिंग कर देनी है वैल्यू के साथ। तो अच्छे से रिवाइज करो बेटा, ठीक है ना। और अगर आपके समझ में आता है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि और भी बच्चों को फायदा मिले इसका, ठीक है ना।